जैसे कि दोस्तों लोगों, आज सुबह से मैंने बहुत काम किया। पहले मैं मार्केट गई, ऊन ले आई, फिर ऊन लाई के ऊन का गोले बनाए। उनके गोले बनाने के बाद माँ, अब शाम हो गई है, अब मैं जा रही हूँ बाजार। बाजार भी नहीं जा रही हूँ, किसी एक खेत में जा रही हूँ, किसी के उसमें उन्होंने पोली हाउस कर रखा है और पोली हाउस में सब्जी बो रखी है। सब्जी, हरी सब्जी हो रखी है वहाँ, पालक हो रखा है, मेथी हो रखी है, धनिया हो रखा है, उसको लेने जा रही हूँ झोला लेके। और क्योंकि झोला लेके जा रही हूँ, फिर मैं वहाँ से आऊँगी तो वहाँ पर आपको पोली हाउस के दर्शन दे कराऊँगी, क्योंकि वहाँ क्या क्या सब्जी हो रखी है और करने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि पैसे भी तभी आते हैं जब मेहनत करते हैं, और मेहनत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो गाइस, ये हमारे सालदे तह का हाल है। खेत देखो ऐसे बंजर पड़े हैं, क्योंकि खेतों में बिल्कुल ऐसे बंजर पड़े हैं क्योंकि यहाँ के आवारा जानवरों ने बहुत कुछ कर लिया है। और वो जब बनेगा तभी दिखाऊंगी। रहा मैं इसी इसी तह में जहाँ हम जा रहे हैं, मैंने बताया कि हम वहाँ जाए तो पॉली हाउस भी इसी खेतों में है, वहाँ जाके आपको उस पॉली हाउस को दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ तो हमारे सालदे में ऐसे मार के रात शर्म की बात हो गई है, क्योंकि खेत बंजर पड़े हैं। लेकिन आजकल बाढ़ चला है, और बाढ़ होने के बाद किसी ने खेती कमीन भी कर दी है। आजकल हल ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ खेतों में। ये देखो गाइज, ये रहे खेत हमारे, हम लोगों के तह वालों के। ये खेत तो आजकल बोए हैं। देखो गाइज, जब किसी ने बो भी दिया होगा तो कैसे कैसे तोता खा रहे हैं। देखो ये गेहूं कैसे टिप रहे हैं। देखो ये क्योंकि इनमें से गेहूं, ये देखो, ये देखो देखो देखो, देखो। ऐसे हो रहे हैं, इन खेतों में जाने का रास्ता नहीं है। ये देखो, ये जाने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन हम फिर जा रहे हैं। कोई इनको सोयाबीन बताएगा, लेकिन ये कुम्मर है। नहीं, कोई जानता हो तो इसका नाम बताएगा। हाँ, जब क्योंकि मेरे साथ जुड़े तो इसी बाजार के भी हैं, वो तो कमलैंड में लिखे देंगे, सभी जानते हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं वो भी इस इनको जानते हो तो नाम अवश्य बताना। देखो गाय, ये है हमारा गाय, इसीलिए ये बंजर खेतों को बंजर कर दिए खेते, क्योंकि रास्ता कहाँ को जाऊँ रे। नहीं, देखो गाय, ये है हमारे खेतों में आवारा गाय। ओ भाभी जी, ये देखो, और वो ऊपर भी है। देखो, ये है आवारा गाय। ये सारे इतने अच्छे गेहूं और धान होते थे इन खेतों में, लेकिन दिखाएंगे हम आपको हमारा गाय के हिसाब से ऐसे हो गए। देखो सारे वही मटर खुद। देखो गाय, यहाँ से लग गए ये पॉली हाउस, जो और ये है शिव मंदिर, और यहाँ पे दुईया है। ये हमने गेट प्रवेश किया, यहाँ से पॉली हाउस लग गया है। और ये अभी तक इन कैरों में इन लोगों ने करने की तैयारी है, अभी सफाई कर रखी है ये दोनों तरफ से। और आगे दिखाती हूँ मैं पॉली, ये वो देखो जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉली हाउस है, वो हमारा घर है। ऊपर से आए हैं हम उतार नगर से। या ये राय हो रखी है, ये सुंदर। और दीपली को लो, ये है मेहनत करने वाली औरत, बहुत ही मेहनती है ये, और वैसे बहुत काम चोरी करती है। आजकल तो बोलने को तंगिया नहीं है। और ये, और आजकल बिल्कुल काम करने को मन नहीं करता, इतनी बिजी हो गई कि वो कैर हमारे ऐसी तंग नहीं भेजती है। सालदे में पॉली हाउस इसी में है बेटा। हम लोग बोले अभी जी 2000 रुपये कर दे दीजिए। गोभी के पत्ते अच्छे से दिखाओ इनको, ये पानी है तो जल है तो सब चीज़ है। उधर है ना गोभी के पत्ते।
कैसा चल रहा काम तुम्हारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितनी दिक्कत हो रही है? तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, कमी नहीं है। ये है काम करने वाले यहाँ के। और पहले मैं आप लोगों को दिखाते हूँ इसका। जो कर सकता है पहाड़ में भी बहुत कुछ है, क्योंकि मेहनत और लगन होनी चाहिए करने के लिए। ऊपर पहाड़ है और ये पॉली हाउस के अंदर जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बंद गोभी पड़े हैं, जो बंद गोभी हो रहे हैं वे भी है। ये है मटर। यहाँ पर पानी है, कर सकते हैं, सब हो सकता है। हमारी जमीनों में तो सभी चीज होती है। हाँ तो बोलो ना, बोलो थोड़ा मेरे YouTube चैनल के लिए कुछ बोल दे। हाँ। क्यों दोस्त लोग हो तुम? कुछ जीवन है यहाँ पे, मोटर लगा रखी है, आदमी रखे हैं और यहाँ पे सभी चीज उपलब्ध है। देखो ये धनिया पक चुका है, बस पकने को तैयार है। ये पॉली हाउस के अंदर का जाने का गेट है। और अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हो। अरे यहाँ तो टमाटर, ये देखो गाइज इतना बड़ा पॉली हाउस है ये। कैसे दिखाई दे रहा है? कितनी अच्छी मेहनत कर रखी है इन लोगों ने करने बेशक, क्योंकि हर काम लगन से किया जाता है तो यही होता है, फल अच्छा ही मिलता है। और ये बड़ा सा पॉली हाउस है। हाँ अभी दिखा दूंगी, उनसे दो बात कराऊंगी बाद में। ये रहा दोस्तों लोगों, अच्छा सा धनिया और टमाटर पक चुके हैं। और ये क्या है? शिमला मिर्च ना? ये शिमला मिर्च लगे हैं देखो आजकल, जो कि आजकल अभी किसी के शिमला मिर्च नहीं हुए हैं। इन लोगों की मेहनत, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और ये रहे मटर, जो मटर की खेती है, जो मटर का रखे इन्होंने इतना बड़ा पॉली हाउस में, क्योंकि इसमें हर समय गुड़ाई और खाद, और इसमें तो हर समय आदमी चाहिए, इसीलिए ये कार्य होगा। क्योंकि बगैर आदमी रखे के ये कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ये यहाँ भी टमाटर हैं और वो सारे मटर हैं। और ये सारा पॉली हाउस है, जो कि लंबा चौड़ा पॉली हाउस है। इतना बड़ा पॉली हाउस है देखो। हाँ गोकुल जी बोलो, कुछ बोलना चाहोगे? ना ना, क्या क्या बिक रहे हैं आजकल, क्या क्या बेच रहे हो आप लोग आजकल? टमाटर चल रहे हैं, मटर चल रहे हैं। टमाटर कैसे चल रहे हैं? टमाटर हमारे उधर 60 रुपए किलो चल रहा है। जी जी जी। और मटर? मटर 100 रुपए किलो चल रही है। और पालक धनिया? पालक 10 रुपए गड्डी चल रही है। धनिया पालक 20 रुपए गड्डी चल रही है। और दीपिल वो बैल चौमे के न्यान के गोभी तो सस्ते हैं। गोभी कितनी चल रही है आज? वही है ना बढ़िया। तो गाइस ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इनसे आपके बात कराती हूँ। बोलो आगे क्या बोओगे आप लोग? आगे आगे सीजन के अनुसार बोएंगे। जैसे कि शिमला मिर्च है, बैगन है, शिमला मिर्च बैगन, हरी सब्जियां है। अभी तो यही का है, टमाटर हो गया। टमाटर तो अभी भी हो रहे हैं आप लोगों से। लौकी बोएंगे, लौकी तोरी। मेहनत बहुत कर रहे हो ना आप लोग?
देखो देखो दोस्त लोग ऐसे होते हैं मेहनती वाले, और हम तो खाली कुछ काम नहीं है हमारा, तो हम तो ऐसे ही बैठे हैं। हेलो दोस्त लोगों, जैसे कि मैं यहाँ पॉली हाउस में गई हूँ, मैं आप लोगों के पॉली हाउस के को दिखाया। ये पड़े हैं मटर, और ये है गोभी, और ये रही हरी सब्जी। और आप लोगों को भी लेना हो, जैसे कि हमारे बाज़ार वाले या जसपुर चंपा नगर पैठाना पिपौड़ा, जब कोई भी हरी सब्जी मटर और बंद गोभी टमाटर आप लोगों को चाहिए, तो यहाँ पॉली हाउस की ताज़ी सब्जी आप लोगों को अवश्य मिलेगी। क्योंकि यहाँ करने वाले हमेशा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यही हैं खेत में, और आप लोगों की ताज़ा सब्जी खाओ। क्योंकि खाद की सब्जी तो हमेशा खाते हो, गोबर की सब्जी खा के देखो एक बार ताज़ा सब्जी, और देख लो ये है सब्जी और ये है करने वाली। मैं हूँ बाय बाबा, कुछ बोलोगे ना, ना सब्जी के बारे में? नहीं नहीं, सब्जी ले जाना यहाँ से, और क्या सब्जी लेने आ जाओ। वो चोली पहली साफ कहा बराबर। अरे नंदी, मुझे पन्नी कट गई, ये मटर खाया ले तुम ना ना। हाँ बस बस हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलूँगी। और आज सुबह से मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और बाज़ार भी गई सब्जी भी लेने गई, ये सब मेरे YouTube पे देख लेना। और रहा सवाल नेक्स्ट ब्लॉग का, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। और